तो गाइस ये ब्यास में जो आप देखते हो आम जो बाहरी है, ये रास्ते में जो ये बिल्डिंग से आती है एक पहाड़ सा, ये पहाड़ पे आज हम जाने लगे हैं। जो यहाँ पे नहीं गए तो वो यहीं से देख सकता है। इसके ऊपर जाकर हम आपको दिखाएंगे। आई होप कि आप सभी ने ये देखी होगी एक बार, तो क्योंकि जब भी आप डेरे को जाते हो तो ये बीच में आती है। एक्चुअली जब ये बन रहा था ना सब कुछ यहाँ पे, तो ये एक पहाड़ था, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके थोड़ी इसका डिज़ाइन दे दिया गया इसको, और ये माउंटेन्स ही ये मेंटेन रखी गई यहाँ पे। दोस्तों ये देख सकते हो आप, आ गए हैं इसके ऊपर। माउंटेन वाकई में बहुत अच्छी सी है ये, और ये देखते हो आप नीचे पूरा इसका नीचे का व्यू दिख रहा है। इसके ऊपर भी चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। डिफेंस लैंड ये लिखा भी है साथ में। ये ऐसे ही मतलब शो के लिए एक बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। पूरा हाईवे यहाँ से दिख रहा है, और उस साइड डेरे को जो रास्ता जाता है वो आप देख सकते हो, और एक वैसा भी वहाँ पे बनाया है। ये यहाँ पे पहले माउंटेन्स थी, और ये यहाँ पे पार्क है, पूरा पार्क एरिया ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड देख सकते हो आप। तो यहाँ पे सारा डेरा व्यास ने ना पौधे लगाए हैं, फूल के सारे बूटे जितने भी होते हैं सारे यहाँ पे लगा चुके हैं। वो रोड क्रॉस करके एक वहाँ पे भी पार्क है। काफ़ी हाइट पर है ये प्लेग्राउंड, आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा है यहाँ पे। ये सारी सेवा यहाँ पे डेरा ब्यास ने की है। अब मैं उसके नीचे आ गया हूँ, और आगे चलकर देखते हैं इसके अंदर कि क्या है ये एक्चुअल में। पहले आपको जो ये मैंने ऊपर से दिखाया ना, ये दोस्तों एक डिफेंस लैंड ही है। यहाँ पता नहीं क्या है, कुछ कह नहीं सकते, डिफेंस लैंड ही है, डिफेंस का ही कुछ होगा। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा वगैरह ये लोग आकर यहाँ पे खाते होंगे, इन्जॉय करते होंगे चिल। और इसके अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं क्या है ये। ओहो अड्डा लग रहा है, ये तो काफ़ी पुराना, डैमेज बिल्डिंग्स हैं, लोगों ने अपना नाम लिख के रखा है यहाँ पे दीवारों पर अलग अलग। तो गाइस अगर आपके दिमाग में ये हो कि ये बिल्डिंग क्या है, काफ़ी मेरे मन में भी काफ़ी आती थी ये बिल्डिंग कि ये आखिर है क्या। पहले तो माउंटेन ही थी ये, लेकिन कुछ ऐसा भी यहाँ पे था, ये मैंने आज देखा है। तो आप देख सकते हो ये ऐसी बस शो के लिए अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो आप, वैसे ही चिलचुल करने के लिए। ब्यास अनएक्सप्लोर्ड जो लोकेशंस हैं वो जाकर जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूंगा। काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं गाइस, जो आपने कभी यहाँ पे यूट्यूब में तो कभी देखी नहीं है, और यहाँ पे भी इवन आपने नहीं देखी होंगी, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा जाकर जरूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनी हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताना, लाइक कर देना वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
और मिलेंगे फिर अगली ही एक ऐसी ही एडवेंचर्स वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, शुक्रिया।